स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नमस्कार, जीएस न्यूज की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल है, 23 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व मानव दिवस, ऑप्शन बी विश्व गौरैया दिवस, ऑप्शन सी विश्व जंगली जानवर दिवस या फिर ऑप्शन डी विश्व पशु दिवस। वीडियो को बीच में रोककर इस सवाल का जवाब जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नवगछिया क्रेडल पैरा मेडिकल में परीक्षा संपन्न। नवगछिया क्रेडल पैरा मेडिकल नवगछिया में कुल 140 बच्चे एवं बच्चियों का पैरा मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल लैब टेक्नीशियन की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें राहुल ओझा एवं अर्पित पाठक एवं संस्थान के पटना के निदेशक प्रशांत दुबे सम्मिलित हुए। दोनों की निगरानी में तमाम बच्चों की परीक्षा संपन्न हुई। इस उपलक्ष्य पर संस्थान के निदेशक अमित कुमार ने बच्चों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवगछिया एवं अपने अपने क्षेत्रों पर जनता की सेवा करने की अपील की और उनको शुभकामनाएं दी गयी। बिहपुर विधायक ने उठाया कुशल युवा कार्यक्रम में गड़बड़ी का मामला। नवगछिया बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने विधानसभा में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कुशल युवा कार्यक्रम में घोटाले का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदस्यों की मांग पर विधानसभा कमेटी से जांच कराने का फैसला लिया। विधायक के सदन में ध्यानाकर्षण में पूछे गए सवाल पर स्पीकर विजय सिन्हा ने कमेटी भी गठित कर दी। बहरहाल मामला ये है कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से बीजेपी विधायक ई कुमार शैलेंद्र ने सरकार से जानना चाहा कि महाराष्ट्र की कंपनी को 2016 में ही रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाना था, लेकिन उक्त कंपनी ने 2020 में पोर्टल तैयार किया और इस 3 साल के दौरान कंपनी को बड़ी राशि भुगतान की गई। मामले पर कुमार शैलेंद्र का कहना है कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी गड़बड़ी मानी और अब तो विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की समिति बना दी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। रंगरा के भवानीपुर स्थित रेलवे की सड़क बनाने को लेकर हुई झड़प में युवक को मारी गोली। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर स्थित रेलवे पूर्वी ढाला के समीप रेलवे की सड़क बनाने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गले में एक गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद परिजनों द्वारा एक निजी अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद सभी अपराधी वहां से भवानीपुर कुम्हार टोली होते हुए उत्तर दिशा की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात की। इस बाबत आरा निवासी जेसीबी के खलासी अमरजीत कुमार द्वारा अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना के संबंध में अमरजीत ने पुलिस को बताया कि शनिवार की सुबह वह शौच करने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे गए हुए थे। इसी दौरान 3-4 की संख्या में आए हथियारबंद अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाने लगी। इसी दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने जेसीबी पर मौजूद जेसीबी चालक के ऊपर गोली चला दी, मगर गोली जेसीबी चालक को नहीं लगकर छिटक कर जेसीबी के समीप खड़े रंगरा थाना क्षेत्र के साहू टोला भवानीपुर निवासी डब्लू पासवान के पुत्र को लग गई। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व सड़क बनाने के दौरान भवानीपुर निवासी गोपी सरदार के छोटे भाई प्रकाश यादव की झोपड़ी टूट गई थी, जिसको लेकर जेसीबी चालक से विवाद हुआ था। इस बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि मामले को लेकर खलासी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की गहराई से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध लग रही है। घायल युवक के बारे में पता लगाया जा रहा है, मगर उनका अब तक पता नहीं चल पाया। मामले का जल्द खुलासा हो जाएगा। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
यात्री शेड से बरामद युवक की हुई पहचान, उदा किशुनगंज का था मृतक युवक। नवगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर के पास विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के किनारे स्थित यात्री शेड से गुरुवार को बरामद हुए युवक के शव की पहचान शनिवार को हो गई। मृतक युवक की पहचान मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज निवासी रोशन चौधरी 35 वर्ष पिता भोला चौधरी के रूप में की गई। शव की पहचान शनिवार को परबत्ता थाना पहुंचकर मृतक युवक के छोटे भाई विकास कुमार एवं उनके परिजनों ने की। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। परबत्ता पुलिस को परिजनों ने बताया कि मंगलवार के दिन रोशन अपने घर से 11 बजे के आसपास निकला था। मंगलवार की देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने बताया कि मृतक का ससुराल ढोल बज्जा के मोहनपुर पर पड़ता है, वहां भी पूछताछ की लेकिन वहां भी वो नहीं पहुंचा था। बुधवार को भी जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो इस संदर्भ में उदा किशुनगंज थाने में गुमशुदगी होने का आवेदन दिया। शनिवार की सुबह जानकारी मिली कि एक युवक का शव परबत्ता थाने में है जो रोशन से मिलता है। इसके बाद हम लोग यहां पहुंचे तो देखा कि वो शव रोशन का है। मृतक के भाई विकास कुमार ने कहा कि मृतक घर पर ही किराने की दुकान संचालित करता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति खराब चल रही थी, जिसका इलाज भागलपुर की एक निजी क्लिनिक में चल रहा था। मालूम हो कि गुरुवार को परबत्ता पुलिस ने यात्री शेड से युवक का शव बरामद किया था। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था और पास में ही एक कागज की पुड़िया में जहरीला पदार्थ बरामद किया गया था। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी कि युवक की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई। परिजनों का भी कहना है कि मानसिक स्थिति खराब होने के कारण युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि शव की शिनाख्त हो गई है, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोशन की मौत से मां चंद्रकला देवी पत्नी रश्मि कुमारी घटना से गहरे सदमे में है। मृतक युवक अपने चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था। युवक को एक पुत्र हर्ष कुमार जो 3 वर्ष का है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी का नवगछिया में स्वागत। प्रदेश कार्य समिति बैठक में शामिल होने पूर्णिया जा रहे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी का नवगछिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नवगछिया जिला अध्यक्ष इंदु भूषण झा के नेतृत्व में 33 माइल चौक पर अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। उनके साथ चल रहे राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी, ममता सहगल, धर्मेंद्र धामा का भी अंग वस्त्रम पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है, जैसे नारों से नवगछिया की धरती गुंजायमान हो उठी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अत्यंत आवश्यक है। अप्रत्याशित रूप से जिस हिसाब से बढ़ती जनसंख्या मुंह खोले हुए है, ये देश के लिए चिंतनीय विषय है। देश की अर्थव्यवस्था, विकास, सभी चीज में अवरोध पैदा करेगी। आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करते रहें और एक न एक दिन हम लोग इस मंजिल को पाने में कामयाब रहेंगे। अभिनंदन करने वाले में भारतीय जनता पार्टी नवगछिया जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नवगछिया जिला संरक्षक अजय कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी नवगछिया जिला मंत्री सह जिला संयोजक मुकेश राणा, भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार, कला संस्कृति मंच जिला संयोजक राजकिशोर गुप्ता, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नवगछिया युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार झा, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमन भारती समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया राज्य बॉल बैडमिंटन के विजेता नवगछिया के राहुल बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में एवं वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा कुशवाहा आश्रम हाजीपुर में खेली जा रही 27वीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग पहले सेमीफाइनल मैच में नवगछिया ने बेगूसराय को 3-0 से और फाइनल में सिवान को 3-0 से पराजित कर विजेता बना। नवगछिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला।
इस जीत में नवगछिया पुलिस जिले की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंकित कुमार शर्मा, मुकुल कुमार, अमन कुमार, गुलशन कुमार, मोहम्मद सैफ, राजा कुमार, अमित कुमार, सूरज कुमार व अभिनाश ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम के विजेता होने पर संघ के मुख्य संरक्षक सह बिहपुर विधायक ई कुमार शैलेंद्र, उपाध्यक्ष मोहम्मद शमीम उर्फ मुन्ना, राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार, कोषाध्यक्ष रितेश दुबे, सीनियर खिलाड़ी बबलू कुमार मोदी, मुकेश पोद्दार, सनी पोद्दार, राकेश कुमार आदि ने बधाई दी। सैकड़ों किसानों के साथ आत्मा के उपनिदेशक ने एप्पल मैन गोपाल सिंह के खेत का लिया जायजा। गोपालपुर आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार ने शनिवार की दोपहर को जिले के विभिन्न प्रखंडों के चयनित 206 किसानों, जिनमें से 85 महिला किसानों के साथ नवगछिया अनुमंडल के जाने माने सेब, नाशपाती, अनानास, अमरूद, मौसमी, नारंगी, केला वगैरह फलों की खेती व उसके प्रबंधन की जानकारी रखने वाले एप्पल मैन के नाम से मशहूर किसान गोपाल सिंह के खेत पर पहुंचकर जानकारी का आदान प्रदान किया। मौके पर आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि हम लोग चयनित किसानों को तकनीकी प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु भ्रमण करवा रहे हैं। तकनीकी प्रबंधक कुमार गौतम, लक्ष्मण प्रसाद यादव, प्रियांशु प्रियदर्शी, कुमार स्वस्तिक, सुभाष कुमार झा वगैरह की मौजूदगी देखी गई। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ आम व लीची के बगानों के गोपालपुर प्रखंड के कृषि फार्म का लिया जायजा। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न भागों में पिछले कुछ वर्षों से आम व लीची के पुराने पेड़ों में फल नहीं आने की शिकायत पर पौधा संरक्षण विभाग के उपनिदेशक कन्हैया सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न गाँवों में पुराने आम व लीची के पेड़ का निरीक्षण करने के बाद बताया कि कृषि वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इस तरह के बगीचे की जाँच करवाई जाएगी, साथ ही मिट्टी की जांच भी करवाकर पता लगाया जाएगा कि किस कारण से फलन नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि इन दिनों आम की फसल में कई तरह की बीमारी होने की जानकारी किसानों द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आम के पेड़ में जब रैचे के आकार का फल आए तो उसमें थिया में तो एग्जाम 25% 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में कार्बेडाजिम और मैंकोजिल के 2 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर जब आम मटर के दाने के आकार का हो जाए तो ऐसी फैट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में हेक्साकोनाजोल 1 mlc प्रति लीटर पानी में मिलाकर पेड़ को धोने से समस्या का समाधान हो जाएगा। मौके पर सहायक निदेशक कृषि अभियंत्र कुमार विजय, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार व प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतन कुमार चटर्जी वगैरह की मौजूदगी देखी गई। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। वानी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092।
8406949533 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।